विमंदित महिला का अपहरण कर गैंगरेप, बुरी हालत में ही सवेरे घर के नजदीक फेंक गए आरोपी। दिया कुमारी बोली, पुलिस ने पीड़ित को भगा दिया, कार्रवाई हो पुलिस पर। राजधानी जयपुर संसवा की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरमाणा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने रेप पीड़िता का केस दर्ज नहीं किया, ना ही उसका मेडिकल भी कराया। इस मामले में अब हंगामा हो रहा है। हरमाणा थाना क्षेत्र में पीड़िता से मिलने के लिए भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिया कुमारी ने बताया कि करीब 45 साल की एक महिला अपनी सास के साथ कल शाम सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। महिला मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ है, इस कारण महिला की सास हमेशा उसके साथ रहती है। कल शाम वह सब्जी लेकर लौट रही थी, इस दौरान एक बस वहां आकर रुकी। बस में बैठे कुछ लोगों ने सास के सामने ही उस महिला को बस में खींच लिया और बस दौड़ा दी। सास ने इस बारे में परिवार के लोगों को सूचना दी। पीड़िता का पति जब थाने गया तो पुलिस ने कही कि महिला अपने आप लौट आएगी। उसके बाद आज सवेरे पीड़िता को उसके घर के नजदीक सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया गया। आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है और उसे जबरन नशा कराया गया। दबाव के बाद आज सवेरे पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। अब केस दर्ज की तैयारी की जा रही है। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई घंटों तक स्थानीय लोग वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इस दरमियान गहलोत सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। हंगामा देखकर आधा दर्जन थानों की पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और कमान संभाली। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी को पकड़ने की बात सुनकर लोगों ने हंगामा करना बंद कर दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये लोग कल गए थे पुलिस थाने में, इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक महिला को उठा के ले गए और उसके बाद उसको रात को वापस से पटक दिया। बीच में क्या हुआ, इन लोगों का ये है कि वहाँ पर वापस जब उसको पटका तो उसकी चोटें लगी थी। मैं खुद देख के आई हूँ उसको और वो खुद बता रही है कि उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। और ये रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, इनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हुई। इनफैक्ट इनको बोला अभी जाओ, बाद में आना, भगा दिया वहाँ से। इन्होंने 100 पे कॉल किया, जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिए उन सब पे कॉल किया, उन पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ। और इसलिए आज सुबह हम लोग यहाँ सब आए हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए तुरंत। ये जो कर्मचारी थे, जो भी ये उस समय थाने में मौजूद थे लोग, उन सबको सस्पेंड करना है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए जो ये कल्प्रिट था। दिया कुमारी जिंदाबाद। नहीं, हम लोग बस वेट कर रहे हैं, अगर ये तुरंत कार्रवाई नहीं होती तो फिर जो भी होगी करनी पड़ेगी। गांव वाले सब लोग इसके साथ हैं, गांव वाले सब यहां पर उपस्थित हैं और हम सब लोग अब डिसीजन लेंगे क्या करना है। हम वेट कर रहे हैं, पुलिस को समय दिया है कि आप विद इन 1 आवर इस पर डिसीजन लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर ये जो गाँव वाले कहेंगे हम लोग उनके साथ।